बेंगलुरु धमाके की जांच तेज हो चुकी है। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। यहां स्पिनफर डॉग की मदद ली जा रही है। जांच एजेंसियां सबूत तलाश इस वक्त कर रही हैं। तो बेंगलुरु में जो कैफे में धमाका हुआ था उसकी जांच तेज हो चुकी है। एनएसजी ने खुद इसकी कमान संभाली हुई है और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। डॉग स्क्वाड भी यहां पर मौके पर है और अब मदद ली जा रही है एनएसजी की। एनएसजी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जांच एजेंसियां सबूत तलाश रही हैं इस वक्त। आखिरकार बेंगलुरु धमाके की जो वजह है वो क्या है और किस तरीके से इस पूरे धमाके को प्लान किया गया था और किसकी प्लानिंग इसके तहत, हालांकि किसी भी संगठन की तरफ से इस तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। कल एक कैफे में बेंगलुरु में धमाका हुआ था और अफरा तफरी का माहौल धमाके के बाद, लेकिन उस धमाके के बाद अब जांच एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। एनएसजी ने खुद कमांड यहां पर संभाली हुई है और कल रामेश्वरम कैफे में यह धमाका हुआ था बेंगलुरु में। कैफे में धमाके से 10 लोग घायल हुए थे और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैफे में किस तरीके से धमाका हुआ था। जो तस्वीर है वीडियो में संदिग्ध भी देखा गया था और ये संदिग्ध को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु क्यों है खास, जानिए क्यों इसे टारगेट भी किया जा सकता है। देश का सबसे बड़ा आईटी हब है, कंपनियां निवेश करने से अब डरेंगी। अगर ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये साइड इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं। सिलिकॉन वैली नाम से फेमस है बेंगलुरु, सुरक्षा को लेकर के डर पैदा होगा। बड़े निवेशकों की पहली पसंद है बेंगलुरु और इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा क्योंकि निवेश अगर कम होंगे तो अर्थव्यवस्था पर भी असर इसका पड़ेगा। इसरो, इन्फोसिस, विप्रो का मुख्यालय यही है। विदेशी निवेशक आने से डरेंगे अगर इस तरीके के धमाके बेंगलुरु में होते हैं। कर्नाटक को निशाना बनाया जाता है, आईटी हब को निशाना बनाया जाता है, तो जाहिर से बात है निवेश कम होगा। जी मीडिया संवाददाता बेंगलुरु से इस वक्त प्रशोभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रशोभ, इस जांच को लेकर के और क्या डिटेल्स आपके पास, जांच एजेंसियों के हाथ क्या कोई सबूत लगे या संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी? प्रिया, अभी जांच तो चल रही है, एनएसजी पहुंच चुकी है और लोकल पुलिस की भी एनएसजी और एनआईए के साथ साथ दे रहे हैं। वहां पर कुछ रेसिड्यू रहता है, वो 12 वोल्ट बैटरी रहता है और टाइमर रहता है, उस वो सभी चीज जो कुछ भी आईडी में इस्तेमाल हुआ था टाइमर के साथ, वो सभी सीज किया है और कैसा बॉम्ब बनाया है वो सबका जांच अभी चल रहा है। पर अभी राजकीय की बात किया तो यहाँ प्रश्न एक बहुत सिंपल सा था, क्या मंगलोर का ब्लास्ट और बैंगलोर का ब्लास्ट में सिमिलैरिटीज है क्या नहीं? उस पर सीएम सिद्धरामैया ने कहा ये अलग है, मतलब बैंगलोर का ब्लास्ट अलग मुद्दा है और मंगलोर का ब्लास्ट अलग है। पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज साफ तौर पे कहा कि मंगलुरु ब्लास्ट और बेंगलुरु ब्लास्ट में दोनों में सिमिलैरिटी है। देखिए दोनों नेताओं के बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी तब जब राज्य में इस तरीके से धमाके हो रहे हैं, अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा है। प्रशोभ आप बने रहे हमारे साथ। एक और खबर पहले अपने दर्शकों को बता दूं, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट को करीब 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और पुलिस के साथ अलग अलग जांच एजेंसियां इस वक्त जांच भी कर रही है। एफएसएल की टीम ने धमाके की जगह से सबूत कुछ इकट्ठा किए जिसमें टाइमर भी दिखाई दे रहा है, वो भी आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। एफएसएल की टीम क्योंकि मौके पर पहुंची और वहां से सबूत इकट्ठा किया एफएसएल की टीम ने, ये वो पार्ट्स हैं उस बॉम्ब के जिसमें टाइमर भी मिले हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिसे एफएसएल ने अब अपने कब्जे में लिया है। बेंगलुरु ब्लास्ट के पीछे आखिरकार कौन है, किसी संगठन की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। एफएसएल टीम जब जांच के लिए सबसे पहले मौके पर पहुंची तो एविडेंस के तौर पे इसे एक टाइमर भी हाथ लगा है। धमाके से पूरा बेंगलुरु शहर इस वक्त सहमा हुआ है। सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया जांच में वो आपको हम दिखा रहे हैं। संदिग्ध है ये, जिस इंसान की तस्वीर आप इसमें देख रहे हैं कैफे की तरफ कैसे आगे बढ़ता हुआ, कंधे पर विस्फोटकों से भरा हुआ बैग इसके, और रामेश्वरम कैफे में बैग के साथ ये दाखिल होता है, घुसता है। संदिग्ध ने कुछ ऑर्डर भी वहां पर जाकर के किया था और उसके बाद हाथ में प्लेट ले जाता हुआ भी दिखाई दिया ये, और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कैफे में ही ये बैग जो लेकर के अंदर गया था, इस बैग को वो छोड़ आता है और उसके कुछ देर के बाद ब्लास्ट हो जाता है। धमाके के बाद जांच लगातार जारी है। एफएसएल की टीम को एक टाइमर भी हाथ लगा। प्रशोभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रशोभ, इसका क्या असर बेंगलुरु शहर पे देखने को मिल रहा है? आईटी हब है, सिलिकॉन वैली है और निवेशकों की पहली पसंद है जो आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, या लोगों की पहली पसंद है वो सिटी। इस तरीके से धमाके अगर होते रहेंगे तो फिर तो माहौल बहुत दहशत भरा हो जाएगा। निवेशक वहां निवेश करने से भी बचेंगे, आईटी कंपनियां वहां से
हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि एक के बाद एक लगातार इस तरीके के धमाके हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में मूव करना शुरू कर दे, बड़ा चैलेंज है ये राज्य सरकार के लिए भी। प्रिया, जमाने से मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से या बेंगलुरु में जो पीएसयू है, सभी पीएसयू का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में ही है, वो हिसरो होने दो नहीं तो बेमल एचएल, सभी हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है बैंगलोर, ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ से कोई टेररिस्ट अटैक हो या कुछ आपत्ति हो वो बनने का चांस बहुत कम था। पर इस बार व्हाइटफील्ड मतलब वो सिलिकॉन वैली का एक तरह से कैपिटल होता है, वहाँ पर ये इस तरह का ब्लास्ट जो कुछ भी कल हुआ वो ब्लास्ट का कुछ असर तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सीधा पड़ने का बहुत सारे ज्यादा ही चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर सेफ क्लाइमेट ये दोनों मेन चीज है, पर सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज हो तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट से नहीं आता है। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल राज्य सरकार के ऊपर है। अभी उसी एंगल पे देख लिया तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम एक बयान देते हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है मंगलुरु ब्लास्ट और बेंगलुरु ब्लास्ट में, पर डीसीएम बताते हैं कि यहाँ पर सिमिलैरिटीज है। जनता किसको मानना चाहती है, मतलब बिल्कुल अशोक, देखिए एक सेकंड आपको मैं रोक रही हूँ, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप जब बोल रहे हैं सीएम पहुंचे हुए घायलों से मुलाकात करने के लिए, वहां अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए, लेकिन ऐसे वक्त में आपको पता है एक मंझे हुए राजनेता है आप, चाहे मनमुटाव कितनी भी हो, एक तरफ सिद्धारमैया कहते हैं कि जो मंगलुरु में ब्लास्ट हुआ, बेंगलुरु में जो कल ब्लास्ट हुआ, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है वो आते हैं, वो ये कहते हैं कि दोनों ब्लास्ट बिल्कुल सिमिलर है, एक ही तर्ज पे किया गया, सिर्फ इस आधार पर कि आईडी वहां से बरामद हुआ है, जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था मंगलुरु में भी उसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था ब्लास्ट के लिए। निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो देना चाह रहे हैं, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, सीएम है, डीसीएम है, वो साफ तौर पर मतलब क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। इसके लिए विपक्ष दल भी इनके ऊपर बहुत सारे बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ये सब अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण है। तो ये सब अभी राज्य सरकार को एक ही चैलेंज था, क्या है, वो शख्स को पकड़ने का एक ही चैलेंज था, पर वो इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन कम होने की वजह से अभी बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने ही आने दिया है, क्योंकि अभी विपक्ष को भी आंसर देना पड़ता है, जनता को भी आंसर देना पड़ता है।